आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में विचारधारा अब्दुल कलाम की होना चाहिए, आतंकी कसाब की नहीं। फैज मोहम्मद खान गोवंश रक्षार्थ सद्भावना यात्रा का हुआ आगमन। बरवानी में संपूर्ण भारत देश में गोवंश रक्षार्थ सद्भावना यात्रा निकालते हुए प्रत्येक क्षेत्र से गुजर रहा हूं, मगर मुस्लिम होने के बाद भी मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहे है। किसी प्रकार से मुझ पर आक्रमण नहीं हो रहा है, जबकि हिंदू समाज के लोगों के द्वारा मेरी यात्रा का सम्मान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में स्वागत कर सहयोग किया जा रहा है। मेरी यात्रा के दौरान मुझे कहीं भी मॉब लिंचिंग या सांप्रदायिकता बिगड़ने वाला माहौल नजर नहीं आया। जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं तथा सभी अपने अपने उपासना स्थलों की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों पर्वतों नदियों तथा अपने अपने धर्म स्थलों की परिक्रमा करते हैं, विश्व में ऐसा देश सिर्फ एक ही है, वह है मेरा हिंदुस्तान। भारत देश में विचारधारा अब्दुल कलाम की होना चाहिए, आतंकी कसाब की नहीं। जो लोग देश में डर लगने की बात करते हैं या मॉब लिंचिंग से देश का वातावरण बिगड़ना चाहते हैं, वह भ्रम फैला रहे हैं। उक्त विचार गोवंश रक्षा एवं सद्भावना पदयात्रा कर रहे मोहम्मद फैज खान ने बड़वानी प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहीं। फैज ने कहा कि मैंने सोचा कि विश्व के सबसे बड़े उपासना स्थल भारतवर्ष की परिक्रमा की जाए तो सभी जाति धर्म मंदिरों में गया, किसी ने नहीं रोका, प्रवेश करा कर भगवान के दर्शन कराए, गौ माता नर्मदा माता गोवर्धन पर्वत जैसी सारी परिक्रमा एक साथ पूरी हो जाएगी, मुझे किसी ने नहीं रोका। इसलिए 24 जून 2017 को सिंधु तट पर स्थित लद्दाख से सद्भावना पदयात्रा की शुरुआत की। अब तक 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। आपने कहा कि मां नर्मदा को साफ रखना है, देश में जल की समस्या है। खान ने कहा कि संपूर्ण यात्रा जो कि सामाजिक सद्भाव की है, आज देश को आवश्यकता है। मगर ऑफ्स सकी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा ऐसी यात्राओं को ठीक ढंग से कवरेज नहीं किया जा रहा है। ऐसी यात्राओं को जो कि सामाजिक सद्भाव के लिए होती है, उसे जन जन तक पहुंचाने में सभी का सहयोग होना चाहिए। गौ माता की हो रक्षा। फैज मोहम्मद ने कहा कि वर्तमान में गौ माता की रक्षा के लिए भारतीय देशी गोवंश की सेवा संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन जागरण गाय के नाम पर चलाई गई गौ मनस्य को देखकर सद्भावना स्थापित करना, देशी गोवंश के पर्यावरण समाज स्वास्थ्य प्रकृति के महत्व को जन जन तक पहुँचाना, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु केंद्रीय कानून बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को जागृत करना, नदी संरक्षण पौधारोपण स्वच्छता कन्या भ्रूण हत्या और नारी की गरिमा हेतु जन जागृति लाना, अखंड भारत का निर्माण, पुण्य भारत के प्राचीन वैभव का स्थापित कर विश्व गुरु का दर्जा दिलाना आदि उद्देश्य को लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है। दो चरण होगी यात्रा। यह पदयात्रा कुल 14,000 किलोमीटर तथा समय 3 वर्ष 24 जून 2017 ले लद्दाख से प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में लेह से कन्याकुमारी तथा दूसरे चरण में कन्याकुमारी से अमृतसर की है। आपने बताया कि 11,550 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण हो चुकी है तथा अमृतसर तक की बची हुई पदयात्रा दिसंबर 2019 तक पूर्ण करना है। इस अवसर पर गो भक्त मौजूद थे। फैज मोहम्मद नगर की गोशला में गए व देखा। मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं दिल्ली से हूँ और समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर, एजुकेशन और राष्ट्रवाद पे काम करती हूँ। किस उद्देश्य से आप यात्रा से जुड़ी हैं? देखिए, ये यात्रा देश में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा को जो 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा मोहम्मद फैज खान कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, गौ रक्षा के लिए एक मुसलमान मोहम्मद फैज खान 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। लेह से कन्याकुमारी पहला चरण था और कन्याकुमारी से अमृतसर दूसरा चरण है। ये अब एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ है और गऊ के लिए जो ये काम कर रहे हैं, जो ये गऊ माता के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा देश के लिए एग्जाम्पल है और मैं चाहूँगी कि दुनिया भर में इनका प्रचार प्रसार हो, लोग जाने कि देश में ऐसे मुसलमान भी हैं जो राष्ट्रवाद पे, भाईचारे पे, गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और मैं इसी की वजह से दिल्ली से यहाँ तक पहुँची हूँ। वेद में कहा गया, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, गणेश जी, सबकी कथा में गाय का महत्व है। गाय के गोबर और गोमूत्र से ही आज कैंसर से बचा जा सकता है। यूरिया और पेस्टिसाइड कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। गाय का वास्तविक महत्व जन जन तक पहुंचे, इसलिए हम ये गो सेवा सद्भावना पद यात्रा कर रहे हैं।
गाय के नाम पर नफरत, हिंसा, दंगा ना हो, गाय के नाम पर प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारा हो। इसलिए 24 जून 2017 को हमने लेह लद्दाख से चलना चालू किया। लेह लद्दाख से पूर्वी भारत होते हुए कन्याकुमारी गए, प्रथम चरण हुआ, और अब कन्याकुमारी से अमृतसर जा रहे हैं, द्वितीय चरण। बड़वानी पहुँचने पर कुल 12,000 किलोमीटर पूरा हो चुका है, लगभग 18 राज्य हो चुके हैं, 250 जिले पार कर चुके हैं, 1,000 शहर और लगभग 1,00,000 गांव पार करके हम यहां पर आए हैं। गाय का वास्तविक महत्व जन जन तक पहुंचे, गाय के नाम पर राजनीति बंद हो, गाय के नाम पर नकारात्मक खबरें बंद हो, गाय के नाम पर सकारात्मक चीज़ें सामने आए। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, मिट्टी की शुद्धि गोबर से होती है, देसी गाय की हम बात करें, शुद्ध देसी गाय, गोमूत्र से जल तत्व की शुद्धि होती है, अग्नि की शुद्धि घी से होती है, इसी तरह वायु की शुद्धि दही से होती है और आकाश तत्व की शुद्धि दूध से होती है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज गोमूत्र से हो सकता है, कैंसर का इलाज गोमूत्र से हो सकता है, हमारे शरीर में व्हाइट स्पॉट्स हो गए हैं उसका इलाज गोबर से हो सकता है, हमारे शरीर की हर व्याधि का इलाज पंचगव्य पर आधारित है, पंचगव्य पर निर्भर है। तो इसलिए गो सेवा सद्भावना पद यात्रा है कि हमारी नर्मदा नदी बचे, भारत की सभी नदी बचे। मैं इस बड़वानी क्षेत्र के लोगों से विशेष आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पीने को पानी नहीं है, नर्मदा मैया की आप पर कृपा है तो नर्मदा नदी को सुरक्षित रखें। बड़वानी में जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है उसी के पास बड़वानी का गंदा नाला खुलता है, तो सरकार और जनता इसके प्रति सचेत रहे, इस देश की नदियां बचे, इस देश के वृक्ष बचे, इस देश की बेटियां बचे, इस देश की संस्कृति बचे और इस देश का हर प्राणी और इस विश्व का हर प्राणी बचे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये संदेश देने के लिए गो सेवा सद्भावना पद यात्रा चल रही है। मैं तारीफ करता हूँ कमलनाथ सरकार की इस विषय पर कि मैंने भी यहाँ गोकथा की है, खरगोन क्षेत्र में सनावत के आसपास 10-12 गोकथा की है, उसमें कान्हापुर में जो गौशाला मैंने आज से 3 साल पहले खुलवाई थी वो गौशाला कमलनाथ जी की 29 लाख वाली जो योजना है सरकारी की हर, उसमें वो गौशाला खुलाई, उसके अंतर्गत वो गौशाला हो चुकी है और बहुत अच्छा वहाँ एक गौशाला का नवीनीकरण होने वाला है। तो कमलनाथ जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, कामधेनु आयोग बनाया है और उसके माध्यम से गौशालाओं का पुनरुद्धार चल रहा है। तो केंद्र की मोदी सरकार और कमलनाथ जी की सरकार दोनों को गौ सेवा के इस कार्य के लिए बधाई दूंगा कि इस तरह का कार्य करते रहें, गाय की तस्करी बंद हो, गो की हत्या बंद हो, गाय के लिए अच्छी अच्छी योजनाएँ बनती रहें। गाय के मांस का निर्यात इस देश में कभी भी नहीं होता रहा है आधिकारिक रूप से। बीफ का अर्थ भैंस पाड़ा और भैंसे का मांस, यानी जो भैंस का वंश होता है बीफ वही निर्यात होता है, लेकिन हाँ चोरी छुपे भैंस के मांस में गाय के मांस का भी निर्यात कर दिया जाता है या गाय काट कर भी उसमें मिला दी जाती है। तो इसको लेके अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा ना हो, इस बात के लिए सरकार एंश्योर है कि बीफ के अंतर्गत केवल भैंस का वंश आए, गो वंश कदापि भी ना जाए, ये ऐसी मोदी सरकार की योजना है। जिस भी गांव में घुस रहा हूं, गांव के एंट्रेंस में शराब की दुकान होती है, हम कहते हैं मधुशाला नहीं गोशाला चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। गाय के नाम पर मोहम्मद फैज खान इसलिए निकला है क्योंकि आज ये प्रचारित कर दिया गया कि गाय हिंदुओं की माता है। वेद का अध्ययन करोगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि गाय को हिंदू मुसलमान या सिख की माँ नहीं, गाय को विश्वस्य मात्रा कहा गया है, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, तो सबके हित में गाय है, इसलिए गाय की सेवा करना सबका कर्तव्य है, यही मेरा संदेश।